हम गर्ग साहब आपसे करना चाहेंगे, ये क्या कारण है, ये कौन मजबूर कर देता है या क्या मजबूरी हो जाती है कि प्रधानमंत्री मौन व्रत अख्तियार कर लेते हैं? देखिए शरद जी, हम लोगों को आदत नहीं है, ये जो राजेश ठाकर जी हैं इनको पता है कि ये गुजरात के हैं और मैं भी आधा गुजराती हूँ, इसलिए मेरे को भी पता है। वो ये है कि जो लोग नरेंद्र भाई को जानते हैं गुजरात से, उनकी पूरी पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनकी ग्रोथ को जानते हैं, उन्होंने जिस तरह से गुजरात में साइलेंटली अपने पार्टी के एडवर्सरीज को ख़त्म किया, उन्होंने कांग्रेस को जैसे ख़त्म किया वहाँ, और वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ उन्होंने जो हेड ऑन किया पूरा का पूरा, और बहुत ही कूलली किया, मतलब कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। लोगों ने बहुत कोशिश की उनको वो प्रोवोक करने की। इसके दो किस्से हैं प्रोवोक करने के, एक तो करण थापर का इंटरव्यू है और एक रॉयटर्स का इंटरव्यू है। आप अगर देखें कि करण थापर के इंटरव्यू में वो उन्होंने बिना बजाय प्रोवोक होने के कुछ कहने के वो छोड़ के चले गए उसको डिबेट को, और रॉयटर्स के इंटरव्यू में भी उन्होंने जो कहा वो आज तक उनको थोड़ा सा सालता है, होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो कार के नीचे कोई पप्पी आ जाए तो, वो वाला जो किस्सा है। बड़ी घटनाएं हुई है वहां, आपको लगता है कि देश में बड़ी घटनाएं हो रही है और वो नहीं बोल रहे हैं, पर गुजरात में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, बड़े केसेस कांड हुए हैं, बड़ौदा में हुए हैं, अहमदाबाद में हुए हैं। उनकी खूबी है मोदी जी की कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं, और रिएक्ट नहीं करते हैं इसलिए पूरा मामला डिफ्यूज हो जाता है। बड़ी घटना है। अभी हाल में जो मोरबी का ब्रिज है वो गिरा, कितने लोग मर गए, उसके बाद उसमें क्या हुआ, वो जो वहां से उनकी पार्टी फिर से भारी बहुमत से जीत गई, पूरे के पूरे इलाके में जीत गई, और पिछले 5 सालों में इतनी घटनाएं हुई गुजरात में जितनी पहले कभी हुई होंगी, पर इस बार तो काफी हुई, कई केसेस हुए। इस बार सबसे ज्यादा सीटें आई उनकी, 156 सीटें आई, और रिमोट से आई, मतलब वो नहीं थे तभी आई। थोड़ा सा एक ये जो टेम्परामेंट है जो नरेंद्र जी का, मोदी जी का, उसको थोड़ा सा उसका विश्लेषण करेंगे हम तो। ये जो है गृह मंत्री, ये भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कम करते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं पर ये उतना जोर से रिएक्ट नहीं करते हैं जितना अनुराग ठाकुर कर देते होंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ये नहीं करते हैं। इतने एनकाउंटर्स हुए गुजरात में, इतनी डेथ्स हुई, इतनी किलिंग्स हुई, इतनी आगजनी हुई, और इतने मुकदमे भी हुए। तो एक जो केस है जिससे हिल गए थे मोदी जी, वो था नूपुर शर्मा वाला केस, जो पैगंबर साहब को लेके जून 2022 में उन्होंने टिप्पणी की थी एक चैनल में, और
वो एक घटना थी जिससे मोदी जी हिल गए थे पूरी तरह से, सरकार हिल गई थी, क्योंकि वो मामला ऐसा था कि पैगंबर साहब को इन्वॉल्व कर दिया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने। उस घटना पर और उसकी रिएक्शन पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, और मैं उसको इसलिए फॉलो कर रहा था कि वो नुपुर शर्मा को तो खैर साइडलाइन कर ही दिया। मोदी जी ने उसके बाद एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त अब्बास भाई को याद किया जो उनके घर में वडनगर में रहते थे, और काफी आत्मीयता के साथ उन्होंने उसका उल्लेख किया कि वो उनके पिताजी के दोस्त के लड़के थे, पिताजी की उसकी डेथ हो गई तो उसको उनके पिताजी ले आए और डेढ़ कमरे के उनके मकान में कैसे रहते थे अब्बास भाई, उनकी माँ कितना ध्यान रखती थी उनका, और उसमें शौचालय भी नहीं था मकान में, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया उस समय कि ही इज नॉट एंटी मुस्लिम। हाँ जी हाँ, और सिर्फ एक ऑकेजन ये था। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मोदी जी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? हम रिएक्शन जो मांग रहे हैं उनसे, आप भी शायद मांग रहे होंगे, हम भी मांग रहे होंगे, दो घटनाओं पर मांग रहे हैं। एक तो जो उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा जो एब्यूजेस किए गए हैं, एब्यूज किया है लोगों को, और एक जो है कम्युनल जो वायलेंस में जो विक्टिम है वो माइनॉरिटी के लोग हैं। बेसिकली ये दो हैं, और उसमें भी ताजा घटना है वो ये है कि दानिश अली वाली है जो आप जिसका आपने जिक्र किया कि बीएसपी के सांसद को उन्होंने विदुड़ी जी ने ऐसा कहा, बहुत ही अपमानजनक जो शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। उनको प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए उस घटना पर, उनको रिएक्ट कैसे करना चाहिए, मतलब वो क्या करें? मतलब एक तो वो सांसद जो है वो जिसने कहा वो उनकी पार्टी का है, जिसके खिलाफ कहा वो उनका उनकी एक ऐसी पार्टी का जो उनकी अलाई है, बीएसपी जो उनको यूपी में मदद करती है, अंडर हैंड अलाई और अभी लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं। वो क्या गेन करते हैं अगर वो अपनी पार्टी के सांसद को रिप्रिमांड करते, प्रताड़ित करते या सार्वजनिक रूप से? वो कुछ गेन नहीं करते, वो लूज करते चीजों को। तो मैं उसको ऐसे लेता हूं कि उन्होंने जो कहा विदुड़ी ने, वो पार्टी के उसके पीछे पार्टी का अप्रूवल है, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, आरएसएस का भी अप्रूवल लगता है इसमें कि चुनाव के टाइम पे आप इसको थोड़ा पोलराइज करें या फ्लेयर अप करें और इसकी रिएक्शन क्या होती है देखते हैं। रिएक्शन क्या देखते हैं, मतलब टोटलिटी में रिएक्ट कैसे करता है पूरा का पूरा, एक कम्युनिटी कैसे करती है और तमाम लोग कैसे करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस नाते देखता हूँ। और आपने और मायावती का जो रिएक्शन है अभी जो तुरंत आया है बीजेपी पर हमले को लेकर मोदी जी पर, उसके बारे में एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो उसी का मैनिफेस्टेशन है कि उनके सांसद को ऐसा कहा गया।